हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी गॉसिप, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं कई सारे ब्यूटी टिप्स, हेयर केयर टिप्स, साथ ही बहुत सारी आसान डीआईवाई और होममेड रेमेडीज़ भी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं ग्रीन टी फेस पैक के बारे में कि ग्रीन टी फेस पैक आप कैसे बना सकते हैं घर पे। तो ग्रीन टी फेस पैक बनाने के लिए आपको ग्रीन टी लेनी है। ग्रीन टी आप कोई सी भी ले सकते हैं, मार्केट वाली जो आती है वो भी, और जो ग्रीन टी के पाउच आते हैं वो भी। मैंने यहाँ पर लिप्टन की ग्रीन टी ली है, एक पाउच मैंने लिप्टन की ग्रीन टी का लिया है। आप क्वान्टिटी कटोरी में देख सकते हैं, इतना ही आपको ग्रीन टी एक पाउच लेना है ग्रीन टी फेस पैक बनाने के लिए। आपको करना क्या है कि आपको एक बाउल में 2 चम्मच के करीब ग्रीन टी का पाउडर लेना है, जो भी आपने ग्रीन टी यूज़ की हो। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2 चम्मच ग्रीन टी ले रही हूँ बाउल में। आपको जितना लगे कि आपके फेस के लिए उतना इनाफ है आप उतना ले सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरे फेस के लिए काफ़ी है, तो मैंने यहाँ पर इतना ही ग्रीन टी पाउडर लिया है। और इसमें अब आप ऐड करना है आपको थोड़ा सा गुलाब जल। मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून के करीब गुलाब जल ऐड कर रही हूँ। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा हनी भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि ग्रीन टी का जो फेस पैक होता है वो आपके स्किन के कॉम्प्लिकेशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही आपकी स्किन को हेल्थी बनाता है। साथ ही ये मास्क आपके फेस से एजिंग के निशान जो होते हैं उन्हें कम करने में बहुत मदद करता है। अगर आपके फेस पे ऑलरेडी समय से पहले एजिंग के निशान आ गए हैं तो ये बाकी के एजिंग के निशान जो आते हैं उनको आने से रोकेगा। अब आपको इसमें 2 चम्मच के करीब दही ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब दही ऐड किया है और इन तीनों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि अच्छे से तीनों आपस में मिक्स हो जाएं और एक कंप्लीट आपका फेस पैक यहाँ पे बन के तैयार हो जाए। तो आपको ये अच्छे से मिक्स मिला लेना है कि ग्रीन टी का पाउडर सूखा ना रह जाए। आपको इतने अच्छे से इसको पूरी तरीके से यहाँ पर मिक्स करना है। तो अभी यहाँ पे आपका फेस पैक बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको ये कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये क्वांटिटी बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट लग गई अपने लिए, तो मैं यहाँ पे इसको कुछ ऐड नहीं करूँगी। इसके बाद आपको करना क्या है कि आप किसी भी कॉटन की हेल्प से इसको इस तरह, या फिर अपनी फिंगर की हेल्प से यहाँ पे स्किन पे इस तरह से एक थिन लेयर आप पूरे फेस पे लगानी है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 25 से कम एज के हैं तो आप इस फेस पैक को बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, क्योंकि आपकी स्किन वैसे ही नेचुरली इतनी यंग होती है कि आपको इस तरह के फेस मास्क का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेस मास्क उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर एजिंग के निशान आ रहे हैं या फिर जो झुर्रियाँ आ रही हैं उनके झुर्रियाँ कम करने। लेकिन 25 से अंडर वालों के लिए ये फेस पैक मुझे नहीं लगता इतना ज़रूरी है, क्योंकि आपके फेस पे ऐसे कोई एजिंग के निशान इस उम्र में नहीं आते हैं। इस फेस पैक को आप अपने फेस पे 10 मिनट तक रखिएगा। जब आपको लग जाए ये सूख गया है तो उसके बाद आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। आप इस फेस पैक को बिल्कुल भी स्टोर करके मत रखिएगा। आपको इसे तभी बनाना है जब आपको इसे अपने फेस पे लगाना हो। आप इसे स्टोर करके ना रखिएगा, क्योंकि दही जो होती है और टी जो आपने इसमें मिलाई है ग्रीन टी, ये स्टोर करने लायक नहीं है। तो आप इसे तुरंत बनाइए, तुरंत लगाइए बस, और आप अपना फेस धोने के बाद उसको कोई भी मॉइस्चराइजर लगाइए, आपके फेस को एकदम एजिंग के निशान जो होते हैं धीरे धीरे गायब से हो जाएंगे। तो ये था आज के इस वीडियो में, जल्द ही मिलूँगी नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।